दादाजी रेडियो की आवाज कम करो ना प्लीज, इलोन मस्क का इंटरव्यू चल रहा है। दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा करता हूँ, लेकिन ये इलोन मस्क कौन है? बेटे ने कहा, दादाजी आप नहीं समझोगे, इन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला, हाइपरलूप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर सिटी जैसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो इनको सुन तो सकते हैं? दादाजी ने कहा। कर नहीं सकते मतलब? फिर शायद तुम भारत के इलोन मस्क को नहीं जानते। बेटे ने कहा, भारत का इलोन मस्क? ये कभी सुना नहीं, प्लीज बताइए ना कौन है ये और उन्होंने ऐसा क्या किया? दादाजी ने कहा, ठीक है तो सुनो। 23 नवंबर 1882 को गुजरात के वांकनेर में एक लड़के का जन्म हुआ। कुछ दिन बाद ये जैन परिवार सोलापुर में स्थलांतरित हुआ। इस युवा के पिताजी के दो व्यवसाय थे, एक कपास का व्यापार और दूसरा पैसों की साहूकार की। युवा ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा सोलापुर के सरकारी हाई स्कूल से पूर्ण की। उन्होंने अपनी बीए की डिग्री मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से की। उसके बाद पुणे के डेक्कन कॉलेज में आगे की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें घर का व्यापार संभालने के लिए बुलावा आया। युवा का पारिवारिक और वैयक्तिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके जन्म के बाद तुरंत ही उनकी मां चल बसी। युवा की शादी उनके शिक्षण काल में ही की गई। सोलापुर के एक बैंकर की बेटी के साथ उनका विवाह हुआ। उनको एक बेटी भी हुई, लेकिन उनकी बीवी चल बसी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी शादी से आए बच्चे चल बसे। उनके अपने पारिवारिक व्यवसाय कपास खरीदी विक्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो युवा एक रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बन गया। इस बिजनेस में उसके भागीदार थे एक रेलवे क्लार्क लक्ष्मण राव फाटक। आगे जाके ये भागीदारी प्राइवेट लिमिटेड बन गई। युवा ने अपने आप को बेहतरीन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर साबित कर दिया था। अब युवा को और भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करना था, लेकिन उनके पार्टनर कहते थे, एक सपना देखना ठीक है, लेकिन चलना सीखने से पहले दौड़ने की तैयारी करना जोखिम भरा काम है। युवा के प्रोजेक्ट्स भव्य हुआ करते थे, वो कभी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। युवा की ताकत थी मैनेजमेंट, समय पे प्रोजेक्ट पूरा करना और फंड्स इकट्ठा करना। पहले तो युवा ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर। जैसे ही युवा ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना शुरू किया, उनके पार्टनर फाटक जी ने बिजनेस छोड़ दिया। युवा ने एक फाउंड्री ले ली चलाने के लिए, फिर उन्होंने खदान ली लीज पे। युवा की कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट लेना मुश्किल हुआ क्योंकि उनकी कंपनी छोटी थी। 1920 में इनकी कंपनी टाटा कंस्ट्रक्शन में मिल गई। इस कंपनी में उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट व्यक्तिगत रूप से पूरे किए, पुणे मुंबई रेलवे टनल्स, सोलापुर के बार्शी लाइट रेलवे के ट्रैक कंस्ट्रक्शंस, मुंबई की वाटर पाइपलाइंस, इंडस नदी पे कलबाग ब्रिज, इरावदी नदी पर ब्रिज। 1930 में युवा इस कंपनी के एमडी बने। 1935 में इस कंपनी का नाम प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी रखा गया। ये इस बात का संदेश था कि टाटा अपने शेयर इस युवा को बेच चुका था। इस युवा ने 1925 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की, जो आज भारत की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस युवा ने पुणे जिले में बारामती के पास कलम नामक गांव में एक बंजर जमीन को एक गन्ने के खेत में परिवर्तित किया। उन्होंने इस इलाके में संगठित गन्ने की खेती शुरू की। 1908 में उन्होंने यहाँ से गन्ने से चीनी बनाने की कंपनी शुरू की। उन्होंने इस विषय में इतना अभ्यास किया कि पूरे भारत में ये शुगर मिल सेटअप करने लगे। उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करने का भी अभ्यास शुरू किया, जिसमें सीमेंट प्लांट, प्लास्टिक कंपनीज, पेपर मिल्स आदि इंडस्ट्रीज थी। ये कंपनी इंडस्ट्रियल ह्यूज मशीनरी भी बनाती थी, जैसे बॉयलर्स, टर्बाइंस आदि। ये कंपनी कई स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स बनाती जो भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण थी। इस युवा ने 1933 में रावेगांव में एक कॉफी कंपनी शुरू की, जिनका पान पसंद चॉकलेट आप जानती होगी। इन्होंने इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी भी शुरू की,
जो बांध, डैम और विशेष जल प्रोजेक्ट्स के लिए पाइप बनाती है। ये कंपनी रेलवे पटरी के नीचे के सीमेंट ब्लॉक भी बनाती है। 1919 के पहले महायुद्ध की समाप्ति के बाद युवा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक शिपिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने एसएस लॉयल्टी नामक एक जहाज खरीदी किया ग्वालियर के सिंधिया राजा से। इस कंपनी का नाम दिया गया द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। ब्रिटिश कंपनी शिपिंग में काफी कंपटीशन कर रही थी। इस दौरान ये भारतीय शिपिंग कंपनी जैसे तैसे जी रही थी। आगे जाके जब ये युवा 1950 में रिटायर हुए, इस कंपनी का मार्केट शेयर 21% था। इस युवा की 1940 में एक अमेरिकी विमान कंपनी के मैनेजर से भेंट हुई। इसके बाद उन्हें विमान कंपनी प्रस्थापित करने की प्रेरणा मिली। उन्हें तत्काल एक विमान बनाने वाले ब्रिटिश कंपनी के सीईओ से मिलना था, जिनका नाम हेवरो था। वे अपॉइंटमेंट के लिए रुके नहीं, बल्कि उस फ्लाइट की टिकट बुक की जहां हेवरो जा रहे थे। दिल जीतने के अनोखे तरीके उपयोग करते थे। दिसंबर 1940 में बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट नामक कंपनी शुरू कर दी। यहाँ हैरलो ट्रेनर, ग्लाइडर, हॉक P-36, हॉर्लो PC-5 आदि विमानों के प्रोडक्शन शुरू हुई। 1 अक्टूबर 1960 में ये कंपनी सरकार ने नेशनलाइज करके इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रखा। आज भारतीय वायुदल के लिए ये कंपनी कई विमान बनाती है, जिसमें से आप जानती होगी तेजस, AMCA, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर। इस युवा ने यह भी सोचा कि देश के लिए एक शिपयार्ड की भी जरूरत है, जहां जहाज को बनाया जा सके। इसलिए विशाखापट्टनम में 1940 में इसकी शुरुआत की गई। इसका नाम सिंधिया शिपयार्ड दिया गया। भारत का पहला जहाज जो इस शिपयार्ड से बना, उसका जल उषा नाम दिया गया। 1960 में यह शिपयार्ड नेशनलाइज किया गया और इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने आज तक 190 जहाज बनाए और करीब करीब 2000 जहाज रिपेयर किए हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड बल्क कैरियर्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, सर्वे शिप्स, ड्रिल शिप्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स आदि जहाज बनाता है और रिपेयर करता है। 1940 में ये युवा कार बनाने में उत्सुक थे। 1945 में पुणे में इन्होंने प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की स्थापना की। उनकी सबसे जानी पहचानी कार थी प्रीमियर पद्मिनी, जो मुंबई की टैक्सी आपने कभी ना कभी देखी होगी, या 1970 या 1980 के मूवीज में भी थी। इस महान इंसान का नाम था वालचंद हीराचंद दोषी। इनका कहना था, उद्योग केवल पैसे बनाने के लिए एक जगह नहीं है, बल्कि एक दृष्टि को प्रकट करने के लिए मंच भी है। जब बिजनेस टाइकून का विषय निकलता है, तब भारतीय युवा के सामने सिर्फ इलॉन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स ये विदेशी नाम आते हैं। इनोवेशन तो सिर्फ वेस्टर्न लोग ही कर सकते हैं, ऐसा युवाओं को लगता है। लेकिन आज से 100 साल पहले जिस युवा ने भारत को पहली विमान फैक्ट्री, पहले समुद्री जहाज फैक्ट्री और पहली कार फैक्ट्री बनाई, इसके अलावा कई बिजनेस भी किए, उसे कितने लोग जानते हैं? भारत को सुनहरा बनाने के लिए भारतीय युवाओं को किस हीरो से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली, एक भारतीय से या एक परकीय से? वालचंद जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद अपनी गहन लगन, देशभक्ति और उद्यमशीलता की तेज गति के द्वारा विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में ऐसी ऊंचाई गाठी जिसे आज देश के युवा एक लक्ष्य, एक उदाहरण मानकर जीवन का परियोजन कर सकते हैं। वालचंद जी इलॉन मस्क से कई गुना तेज और काबिल थे। इनकी तुलना करना हमारा उद्देश्य नहीं था, बल्कि हर एक भारतीय को प्रेरणा देना। तो ये थी आज की कहानी। हे कल के बिजनेस टाइकॉन, आज भारत में वालचंद दोषी जैसे बिजनेस टाइकॉन क्यों नहीं बन रहे? क्या है इसका एकमात्र कारण? 1, भारत की शिक्षण व्यवस्था। 2, आज की माता। अगले 30 सेकंड देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए।
सही जवाब है माता। माता तो ईश्वर भगवान समान है। माता के ऊपर असफलता का दोष देना गलत है, लेकिन आज मुझे माफ करो। आज की माता टीवी सीरियल के बुरे प्रभाव में फंस चुकी है। हर माँ एक इंजीनियर और डॉक्टर चाहती है, ना कि एक काबिल एंटरप्रेन्योर। याद रखना, जो मानसिकता बोओगे वही पाओगे। आगे भी एक्साइटिंग कहानियां लेकर आऊंगा। तब तक बस एक काम करना है, अभी के अभी 10 दोस्तों को ये कहानी शेयर करनी है। अगर एक भी छोटे व्यवसायी को या भारतीय युवक को विशाल व्यापारिक साम्राज्य बनाने की उत्प्रेरणा मिली तो मेरे वीडियो का पर्पस पूरा हुआ। स्टार्टअप कहानियां शेयर करो, फिर से सुनहरा भारत बनाओ।